हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एनएन स्पोर्ट्स और मैं हूं रवीश। बात करते हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज की, जहां खबर यह आ रही है कि डेविड वॉर्नर और पैट कमिंस आखिरी वनडे और टी20 सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे। इसका फायदा जरूर टीम इंडिया को मिल सकता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि अगर डेविड वॉर्नर और पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया की टीम में शामिल नहीं होंगे तो इसका कितना फायदा भारतीय टीम को मिल सकता है। भारत के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला जीतकर सीरीज पर कब्जा जमाने वाली ऑस्ट्रेलिया की टीम को झटका लगा है। टीम के अनुभवी दिग्गज ओपनर डेविड वॉर्नर वनडे और टी20 सीरीज से बाहर हो गए हैं। दूसरे मुकाबले में चोटिल हुए डेविड वॉर्नर भारत के खिलाफ खेले जाने वाले आखिरी वनडे और 3 मैचों की टी20 सीरीज में नहीं खेल पाएंगे। टी20 टीम में डेविड वॉर्नर की जगह डार्सी शॉर्ट को जगह दी गई है। ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज के दूसरे मुकाबले में रविवार को भारत के खिलाफ 51 रन से जीत हासिल की थी। इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 389 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया था। ओपनर डेविड वॉर्नर ने 77 गेंदों पर शानदार 83 रन की पारी खेली थी। भारत की पारी के दौरान फील्डिंग करते हुए वो चोटिल हो गए थे, इसके बाद उनको मैदान से बाहर जाते हुए देखा गया था। तो ये तो बात थी डेविड वॉर्नर की, लेकिन पैट कमिंस टीम से बाहर क्यों हुए? क्योंकि उन्हें तो कोई चोट नहीं थी। इसके पीछे क्या वजह है और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से इसके बारे में क्या बताया गया है, आइए आपको बताते हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है कि अब डेविड वॉर्नर तीसरे वनडे में नहीं खेल पाएंगे। भारत के खिलाफ खेली जाने वाली 3 मैचों की टी20 सीरीज के लिए डार्सी शॉर्ट को डेविड वॉर्नर की जगह टीम में जगह दी गई है। वहीं इस बात की भी जानकारी दी गई है कि तेज गेंदबाज पैट कमिंस को टी20 सीरीज में आराम दिया जाएगा। वनडे और टी20 सीरीज के बाद 4 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जाएगी। पूरी उम्मीद है कि दोनों खिलाड़ी शायद टेस्ट मैच में वापसी करते हुए दिखाई दें, तो इससे फिलहाल तो टीम इंडिया को फायदा होगा, लेकिन टेस्ट में इन दोनों से कैसे निपटना है ये देखना भी दिलचस्प होगा। डेविड वॉर्नर चोट के बाद घर लौट गए हैं और उन्होंने अपना रिहैब भी शुरू कर दिया है। बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज की शुरुआत 17 दिसंबर से हो रही है। 3 मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला 2 दिसंबर को होगा, उसके बाद टी20 सीरीज खेली जाएगी। चलिए आपको बताते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के कोच जस्टिन लैंगर ने क्या कुछ कहा है। cricket.com.au ने टीम के मुख्य कोच जस्टिन लैंगर के हवाले से लिखा है कि टेस्ट सीरीज के लिए डेविड और कमिंस हमारे लिए काफी अहम हैं। डेविड अपनी चोट को ठीक करने पर काम करेंगे। पैट कमिंस के मामले में यह है कि हम चाहते हैं कि हमारे सभी खिलाड़ी शारीरिक और मानसिक तौर पर फिट रहें। प्राथमिकता यह है कि हम इन दोनों को टेस्ट सीरीज से पहले फिट देखना चाहते हैं। इससे पहले मार्कस स्टोनिस को पहले वनडे में चोट लग गई थी, जिसके कारण वो दूसरे वनडे में नहीं खेल पाए थे। हालांकि उम्मीद है कि मार्कस स्टोनिस तीसरे वनडे में वापसी कर सकते हैं। तो ये था भारत ऑस्ट्रेलिया सीरीज का अपडेट। भारत ऑस्ट्रेलिया सीरीज की पल पल की अपडेट आपको एनएन स्पोर्ट्स पर मिलती रहेगी।